हेलो गाइस, तो मैं अभी नहा चुकी हूँ एंड अभी बजे सुबह के 7 और आज मुझे निकलना है लखनऊ। जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मैं मम्मी के और शायद पापा के साथ भी जाऊँ। तो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे, OOTD एंड ना मेरा ना बेले फैट दिखने लग जाता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको छुपाने के लिए मैंने अपना ये शर्ट डाला हुआ है एंड यस आई एम लुकिंग प्रिटी टुडे एंड लेट्स गो। मिलती हूँ आपसे। वेलकम अगेन। अभी मैं आ चुकी हूँ PGI में और मैंने शुगर वाले में नंबर भी ले लिया है। एंडोक्रोनोलॉजी में मुझे नंबर मिला है और अभी मैं आँख के भी डॉक्टर के पास आई थी बिकॉज मम्मी का मोतियाबिंद का एक बार ऑपरेशन हो चुका है, अभी दोबारा होना है क्योंकि उनको दूसरे आय में भी प्रॉब्लम है। तो मैं वही पूछ रही थी कि वापस वैसे ही दिखाने का सेम प्रोसीजर है या कुछ और है। और अभी मुझे जाना है हार्ट में भी दिखाने, तो अब वहाँ दिखाने में चलते हो। हार्ट वाले में भीड़ थी इसलिए मैं पहले आए में आ गई और एंडोक्रोनोलॉजी में चली गई। दैट इज इट, मिलते हैं। तो ना मैंने अभी अपने बाल से मैंने बाल धो के नहाया था तो मैंने ना अपने बाल कर्ल कर लिए थे थोड़े से और एक तरफ के इतने अच्छे हुए, एक तरफ के हुए ही नहीं बिल्कुल। और अब मुझे इतना वियर्ड लग रहा है क्योंकि मुझे जाना है बाहर और एक तरफ के ये बाल है, एक तरफ के इतने सुंदर कर्ल हुआ है और मैंने अपने बाल कर्ल किए थे। एक्चुअली फ्लेक्सी ड्रॉट्स होते हैं तो बाल ऐसा निकलते हैं ऐसे और मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ यार, जिसका कोई जवाब नहीं होता। कर्ल सूट करता है मुझ पे। मैं अभी ऐसी हो रही हूँ कि भगवान आपने मेरा नेचुरल मुझे नेचुरल कर्ल्स बाल क्यों नहीं दिए। सी इस तरफ की बहुत अच्छे है मुझे बहुत प्यारे लग रही हूँ मैं। ओह गॉड, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माय कर्ली बाल। बाय, कभी अच्छे से करके दिखाऊंगी। अभी तो ये रिजल्ट है वैसे सिर्फ 1 घंटे का। मेरे बाल गीले थे, जस्ट मैंने रोल किए छोड़ दिए, ड्रायर मारा खोले और मैंने ड्रायर मतलब पूरा नहीं मारा। अभी मेरा अंदर अंदर का जैसे ये बाल है ये सब गीला है। अगर मैं इसको थोड़ी देर और रखती तो क्या मस्त लगती मैं। कोई नहीं, गाइस आई एम हैविंग खरबूजा। अभी मैं कल ही मार्केट से लेकर आई हूँ एंड इट स्मेल्स ऑसम। आई वाज मैं कांट वेट टू हैव इट। इट्स पर मॉल एक्चुअली मैं आई हूँ वेस्ट साइड बिकॉज मुझे वैसे ऐसा कुछ काम था इसलिए। और मैं जब ट्राई करना ये सेट मैंने ट्राई किया है। ये 2-पीस सेट है, ब्राउन पैंट एंड ब्राउन टी शर्ट। सिर्फ ट्राई कर रही हूँ क्योंकि सेट्स में पहन के कहीं बाहर नहीं जाती और हाफ स्लीव्स तो मैं प्रिफर ही नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है हाफ स्लीव्स पहनना। बट सेट देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने ट्राई कर लिया और ये सेम पैटर्न डिफरेंट कलर ब्लैक में सुंदर लग रहा है बट मैंने लिया नहीं। मैंने एक ये वाली कलर की शर्ट लिया और एक ये ब्लू लिया है और जो मैंने पहले सेट देख रही थी ब्लैक और ब्राउन वाले, हालांकि फिर मुझे याद आया मैं सेट पहन के कहीं जाती नहीं और सेट मुझ पर अच्छा नहीं लगा था क्योंकि डीप नेक था और उसकी जगह मैंने ये टी शर्ट ले ली। बाकी मेरे पास ट्राउज़र है, मैं ट्राउज़र के साथ डाल लूँगी। मुझे कुछ खाना है पहले। आई वांट टू हैव समथिंग देन आई वांट टू मूव अहेड विद द शॉपिंग। वैसे तो मैंने वैसे ही से 2 टॉप ले लिए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वेस्ट माई मनी इन लॉट ऑफ क्लोथ्स। बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट, बेसिक्स आर इनफ। मैं इतनी बकबक भले कर रही हूँ बट जब शॉपिंग के बारे आती है मैं कोई पैसा नहीं देख पाती, कुछ सेविंग्स नहीं कर पाती, उसे वेस्ट ही करती हूँ। सो इट्स ओके, एक लाइफ है, आराम से खाओ पियो ऐश करो कमाओ। दैट इज इट। वर्किंग विद दिस मैकडॉनल्ड्स, फाइनली माय ऑर्डर इज हियर। कॉफी इज माय फर्स्ट लव गाइस। मैकडॉनल्ड्स का कॉफी इज द बेस्ट कॉफी इन माय लाइफ। आई लव इट। Today, I shop from Versailles.
सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई स्नैक्स एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक टू होम. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.